स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। आज शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पुराना बाजार चिश्ती नगर के दरगाह सूफी हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती के 27वें सालाना उर्स के अवसर पर खानकाह चिश्तिया हाजी काजिम ठेकेदार घर से विशाल संदली चादर जुलूस निकाला गया, जिसमें कई शहरों से ख्वाजा साहब के चाहने वाले मुरीद चादर जुलूस में शामिल हुए। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आए मौलाना रसीफ आलम साहब ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में ख्वाजा के अकीदत मंदों की मौजूदगी रही। इसके अलावा महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें मेहमान कव्वाल वाजुद्दीन कव्वाल पार्टी ने शिरकत की। मुंबई के लोअर पारेल के कमला मिल कंपाउंड के मोजोस लाउंज में भीषण आग लगने की घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दुख जताया। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर 22 से 30 साल के लोग हैं। हादसे में 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि घायलों को किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और KYM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात मुंबई के एक पब में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। बता दें कि आग देर रात करीब 12 बजे लगी। फायर ब्रिगेड के दर्जन भर गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या IPC की धारा 304 के तहत FIR दर्ज कर ली है। गुजरात में विजय रूपानी ने CM और नितिन पटेल ने डिप्टी CM का पद संभाल लिया है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के मिलने के 3 दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आना शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों में अनबन का मुख्य कारण विभागों का बंटवारा है। 3 तलाक को अवैध और अपराध घोषित किए जाने वाले कानून के लोकसभा में पास होने के बाद जहां देश भर में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ रही है, वहीं मुस्लिम समाज के पुरुषों समेत उलेमा मौलाना और इमामों के में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वीरभूमि में अगले महीने ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर सकती हैं। इसे ममता सरकार के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की तरह देखा जा रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार राज्य में बढ़ रहा है, उसकी काट निकालते हुए ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है। देश में बेरोजगारी मौजूदा समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती और केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कड़े कदमों से नए रोजगार पैदा करने की रफ्तार पर भी लगाम लग गई थी, लेकिन अब ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में नई नौकरियां आने वाली हैं। ये आंकड़े कुछ खास शहरों के नाम भी दे रहे हैं जहां सबसे ज्यादा नौकरियां आने के आसार हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग तेज हुई है। अगर आपने भी बिटकॉइन की बढ़ती वैल्यू को देखते हुए इसमें निवेश शुरू किया है तो सतर्क हो जाएं। केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिटकॉइन में निवेश काफी ज्यादा जोखिम भरा है, इस वजह से आपकी गाढ़ी कमाई डूब सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हर व्यक्ति इसमें निवेश अपनी जिम्मेदारी पर करे। साल 2017 के आखिरी महीनों में छाया हुआ एक बिटकॉइन लाखों रुपए के बराबर हो चुका है। इसको देखते हुए भारत ने बिटकॉइन में लेन देन करने के लिए पहला ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में आप अपने मोबाइल से ही न सिर्फ बिटकॉइन में खरीदारी कर पाएंगे, बल्कि इसकी बदौलत आप इस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हर काम को आसानी से निपटा पाएंगे। इस कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू शेयर बाजार ने तेज शुरुआत की है, जहां निफ्टी 27.75 अंक की बढ़त के साथ 10,505.65 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 111.15 अंकों की बढ़त के साथ 33,959.18 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।